कल के दिन आप लोगों को बहुत ही बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आप लोगों को कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री किस तरीके से लेना है, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री किस तरीके से लेना है, कहाँ पर कॉल बाय करना है, कहाँ पर पुट बाय करना है और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं ये कितना पॉइंट का रेंज है, यहाँ पर देख सकते हैं 950 पॉइंट का रेंज है, जो कि ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। अगर आप लोग इस रेंज के अंदर कामकाज करते हो तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिछले तीन दिन से देख सकते हैं एक ही रेंज के अंदर कामकाज कर रही है बैंक निफ्टी, ना तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है ना तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रही है, एक रेंज बना करके कामकाज कर रही है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने आप लोगों को कल के लाइव वीडियो के अंदर भी कहा था, अगर रेंज के अंदर कामकाज करेगी बैंक निफ्टी तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी ज्ञान देने के लिए आते हैं। कल के दिन कहा गया था इस तरीके से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगा, ऐसा गिरावट देखने को मिलेगा, क्या आज के दिन गिरावट देखने को मिला, यहाँ पर लाइव प्रूफ है देख सकते हो। तुक्काबाजी वाले लोगों को मैं यहाँ पर साफ साफ कह देना चाहता हूँ, ध्यान से सुन ले, तेरे जैसे यहाँ पर बहुत सारे आए हैं और बहुत सारे चले गए हैं, तो यहाँ पर तेरे जैसों का तुक्काबाजी नहीं चलने वाला, जो लॉजिक है उसे समझना ही पड़ेगा, चाहे तू जितना मर्जी जोर लगा ले। तुम लोग यहाँ पर तुक्काबाजी क्यों करते हो, कुछ लोग हैं आप लोगों में से, कुछ लोग हैं जिनकी पूरी फटी पड़ी रहती है और जो सच्चाई यहाँ पर मैं बोलता हूँ वो सच्चाई सुन करके उन लोगों की पूरी फटी पड़ी रहती है, तो आप लोग सच्चाई सुन के कभी भी मत पीछे हटा करो, सच्चाई सुनने की आदत डाल लो। देखिए आप लोग जितना मर्जी डेटा देख लेना, ऑप्शन चेन देख लेना, जब तक आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक आप लोग जितना मर्जी जोर लगा लेना इस मार्केट से एक रुपया भी नहीं बना पाओगे। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 52852 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले रहती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई बनेगा जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का। यहाँ पर पुट कैसे बाय करना है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 52500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉलर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कॉलर पुट की एंट्री कैसे लेना है, फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 52210 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का रह सकता है।
अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 52,900 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 52 से लेकर के 58 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है, या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 52,200 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 58 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, और निफ्टी 50 के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं आज के दिन पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। जो लोग यहां पर कॉल बाय किए हैं उनका भी एसएल हिट हुआ है, जो लोग यहां पर पुट बाय किए हैं उनका भी एसएल हिट हुआ है। यानी कि आज जो टोटली इंडेक्स था क्या था, पूरा का पूरा साइडवेज था। अब निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए, तो आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,525 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहां पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि लेवल है 24,307 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो आप लोगों को यहाँ पर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाएगी, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।